कैसा है बाहुबली एक्टर राणा दग्गुबाती के हाथ ही मेरा साथी का ट्रेलर? क्या राणा को वाकई एक आंख से नहीं दिखाई देता? क्या होने वाली हाथ ही मेरे साथी की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज पेंसोनिका जाल। राणा दग्गुबाती, जिन्होंने की बाहुबली से धमाल मचा दिया, उनकी फैन फॉलोइंग ना जाने कितनी ज़्यादा है दोस्तों। और अगर आप राणा के फ़ैन हैं तो आपको उनसे जुड़ी एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए। दरअसल राणा दग्गुबाती को अपने दाईं आँख से नहीं दिखता। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया कि उन्हें नहीं दिखता है दाईं आँख से, और ये प्रॉब्लम उन्हें बचपन से ही है। एक आँख की रोशनी उनकी बचपन में ही चली गई थी और वो एक ही आँख से देख पाते हैं। उन्होंने साथ ही लोगों को मोटिवेट किया कि अगर आपको नहीं दिखता एक आँख से तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई राणा दग्गुबाती की हिम्मत को मानना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। और कितने कमाल की वो परफॉर्मेंस देते हैं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है उनकी अपकमिंग फिल्म हाथ ही मेरे साथी के ट्रेलर से। जैसा ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ, चर्चाओं का विषय बन गया। इरोस इंटरनेशनल ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी एक एडवेंचर फिल्म हाथी मेरे साथी की बहुप्रतीक्षित हिंदी ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया गया है। बीते दिन 3 मार्च को वर्ल्ड वाइड लाइफ डे के अवसर पर इसे रिलीज़ किया गया। इसमें राणा दग्गुबाती, प्रभु सोलेमन, विष्णु विशाल, जया हसन जैसे कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं। और आपको बता दें, अब टीम ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हिंदी वर्जन हाथी मेरे साथी का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। अरण्या और कादन के ट्रेलर ने दर्शकों को अपने पैमाने और प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध कर दिया। ट्रेलर को 26 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन एक छोटी सी फिल्म की झलक उस वक्त साझा की गई। राणा सभी तीनों वर्जन में बिल्कुल अलग अवतार में मुख्य पात्र में नज़र आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, हिंदी वर्जन में हाथी मेरे साथी में वो पुलकित सम्राट के साथ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और विष्णु विशाल कादान और अरण्या में नज़र आ रहे हैं। इस फिल्म में प्रतिभाशाली अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर हैं, जोया हुसैन हैं, जो कि अहम भूमिकाओं में है। हाथी मेरे साथी एक ऐसी कहानी है जो एक आदमी की कहानी का पता लगाती है, यानी कि राणा दग्गुबाती का, जो इकोसिस्टम की रक्षा करते हुए अपना अधिकांश जीवन जंगलों में बिता देता है। ये एक आदमी और एक हाथी के रिश्ते की कहानी है, जो कि वाकई बेहद संवेदनशील है। राणा के लिए ये एक हैट्रिक होगी, क्योंकि बाहुबली श्रृंखला और द गाजी अटैक के बाद हाथी मेरे साथी उनकी तीसरी त्रिभाषी फिल्म है। ये पैन इंडिया फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जिसे 26 मार्च 2021 को रिलीज़ किया जाना है। बहुत ही भयंकर ट्रेलर, खूब सारे हाथी दिखाई दे रहे हैं, गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि जंगलों को काट रही है और हाथियों के जो जाने का रास्ता है उसे 70 किलोमीटर ऊंची दीवार से रोक देती है। तो ये पूरी कहानी है कि कैसे गाँव वाले अपने जो हाथी हैं उनका बचाव करते हैं, इकोसिस्टम को बचाते हैं, ये पूरी कहानी है। और आजकल विकास के चक्कर में हम अपने जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि गलत बात है। तो यही मैसेज लेकर आएगी ये फिल्म। आपको कितनी पसंद आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसी फिल्में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है जिसमें हाथी हो और फ्रेंडशिप हो। साथ ही बहुत ही बड़े स्केल में इस फिल्म को बनाया गया है। तो दोस्तों, आपने ट्रेलर नहीं देखा तो देखिए, कितना इंतज़ार है इस फिल्म का ये भी बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।